हेलो गाइस, सुशीला की हस्तकला में आपका स्वागत है। हम इस कमीज की सिलाई करते हैं और इसके लिए हमें क्या करना है, अच्छी तरह से सेट करके ये जो हमारे चौक का निशान लग रहा है इनको हम डार्क कर लेंगे और इस पर इस तरह से करके हम सीधी करेंगे कमीज को और फिर बिछाएंगे दोबारा से, अच्छी तरह से सेट करेंगे दोनों पल्लों को मिला के और इसको हम थपथपा देंगे। जो हमने चौक के निशान लगाए हैं वो हमारी दूसरी साइड में आ जाएंगे। ये आ चुके हैं, इनको हम फिर से डार्क कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। अब मशीन पे दिखाते हैं हम इसकी फिटिंग करके। बस जहाँ जहाँ हमारा चौक लग रहा है वहाँ पे हमें सिलाई करनी है। फिटिंग का ही निशान है और कट भी लगा रखे हैं हमने, कट से कट भी मिला लें। इधर लगा लेते हैं, एक बार नाप लेते हैं हम फिटिंग कितनी है उसकी। इसका हम नाप ले लेते हैं एक बार। हमने दूसरी सिलाई लगानी है एक चाक की दूरी पे, जैसे कि कोई जरूरत है तो टाइट ढीला कर लेगा अपना खोल के। सही है, हमारे हिप्स कमर चेस्ट सिलाई लगा लेते हैं। एक सूत की दूरी पे हमने सिलाई कर दी है। अब इसकी बाजू जोड़ लेते हैं। उससे पहले हम एक पट्टी हमने ये बना ली है, लुप्पी बनाएंगे हम। इसे मोड़ेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे और फिर से एक मोड़ ऐसे लगा देंगे। स्टिच बटन लगाएंगे यहाँ पर शोल्डर पे ताकि बनियान वगैरह नहीं हमारी दिखाई देती है। इसको लगा देंगे, जब हम बाजू अटैच करेंगे तब। गाइस, मैं यहाँ आपको जानकारी दूंगी। जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई बहुत है बाजू की, अगर थोड़ा कपड़ा होता तो हम बाजू नहीं बना पाते, लेकिन उन्होंने को कपड़ा ज़्यादा दिया था इसलिए उनकी बाजू बन गई। अगर आप किसी का बना रहे हैं तो कपड़ा पहले चेक कर लें और पूछ लें बाजू कितनी चाहिए। अगर बाजू उनको बड़ी चाहिए तो कपड़ा ज़्यादा लें, अगर उनको बाजू छोटी चाहिए तो कोई बात नहीं, कपड़ा देख के बनाएं। इसमें 1.25 मीटर करीब कपड़ा लग गया हमारा इस बाजू में, तो आप देख के कपड़ा लें। इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। बाईस रेड चाहिए उनको, तो आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा सिलाई में, आधा इंच ऊपर छोड़ दिया। इसके बाद हम 22 के निशान यहाँ लगा देंगे। अब इसको ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर उसी निशान से मोड़ कर 1 इंच का हिसाब से मोड़ देंगे। ये देखिए हमने दोनों बाजू रेडी कर लिए हैं सिलाई से। जहां हमारा चौक का निशान लग रहा था पहले उसी पे सिलाई लगा दी है और दूसरी भी रेडी हो गई है। वो हमें बाजू चढ़ानी है, देख लें कौन सी साइड की है। ये साइड की है, ये साइड, यानी जो गहराई हमारी इस पार्ट में है ये गहराई है और इसमें भी गहराई है, यानी गहराई गहराई वाले हमारे दोनों ये देखिए ऊपर रहेंगे। तो ये फ्रंट साइड है, ये देखिए ऐसे मिला लें। जो भीतर चढ़ाना नहीं आता वो इस तरह से देख लें। ये देखिए सिलाई से सिलाई मिलाएंगे आपस में दोनों। ये देखिए फिर इसको पकड़ेंगे और इस बाजू को पकड़ेंगे, इधर से पकड़ेंगे बाजू को और कमीज को पकड़ेंगे। ये देख दोनों पकड़ लिए। अब ये मार्जिन है हमारे बाजू का, इसको इस साइड मोड़ देंगे और ये कमीज का मार्जिन है, इसको इस साइड मोड़ देंगे। तो यहाँ बीच में सिलाई आधा इंच के हिसाब से लगानी है। आधा इंच के मार्जिन से हमें सिलाई करनी है, आराम से चलाना है, खींचना नहीं है किसी को भी। देखिए गाइस, हमने आधी बाजू चढ़ा ली है अपनी, आधा इंच के मार्जिन से सिलाई करी है हमने और शोल्डर वाइज सिलाई आ गई है, यानी आधी सिलाई हो गई। अब हम ये लुप्पी लगाएंगे, जो हमारी सिलाई दिखाई दे रही है उसी के ऊपर रखेंगे और उस पर हम सील देंगे और एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी बाजू सही चढ़ रही है।
इसको देख लेते हैं हम। ये देखिए एकदम सही आया हमारा, देखिए बिल्कुल ये देखिए सही ना, आपसे कटेंगे काटेंगे तो सही आएगा, एकदम सही आया करेक्ट। ये देखिए ये बाजू जोड़ ली हमने, इसमें ये लगा दी, टच बटन लगा देंगे। अब हम दूसरी जोड़ते हैं, ये आपको एक दूसरी अलग अलग तरह से दिखाई जोड़ के, इसको हम दूसरी तरह जोड़ के दिखाएंगे, टेलर वाली इसको दिखाएंगे हम आपको, और वो हमें दिखाई थी नया कोई नहीं जोड़ नहीं जानते। इसको देखिए ये हमारी कमीज उल्टी है, बाजू भी उल्टी है, हम बाजू को सीधा कर लेंगे, यहाँ से पकड़ना आपको और इसमें से ऐसे सीधे तरफ आ गए, और बाजू को भी लेंगे और ऐसे सिलाई से सिलाई मिलाएंगे और ऐसे निकाल लेंगे। लिया ऐसे लिया हमने, सिलाई तो सिलाई लगाई और ऐसे कर ली। अब कमीज हमारी उल्टी है और बाजू अंदर आ चुकी है, देखिए बाजू अंदर आ गई। अब इसको हम चढ़ा देंगे बाजू को, यहाँ से हमने पकड़ रखी है, फार्मूला वही है लेकिन इसको गोल गोल घुमाते जाएंगे हम, सिलते जाएंगे। वो आमने सामने थी ये अंदर से ली गई, समझिए। अब मार्जिन इसको हम ऐसे करेंगे नीचे एक को, और एक को एक इधर से घुमा देंगे ऐसे, ये देखिए इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, और यहाँ पे सिलाई करेंगे आराम से जमा ले। एक सिलाई मार्जिन उधर करना है, एक नीचे का इधर करना है, और सिलाई की सिलाई सेंटर में ला लें, उसको चढ़ा देंगे आधा इंच के मार्जिन से, बस गोल गोल घुमाना है और चलाते जाना है। अब हम ये वाली लुप्पी भी लगा देंगे, ये देखिए कोई झोल नहीं आई आपको नज़र, कितनी फर्स्ट क्लास चढ़ी है, कोई झोल नहीं है, देखिए कहीं भी झोल नहीं मिलेगी आप। इस तरह चढ़ा सकते हैं, जो पहली बार जो बताई थी हमने उस तरह से भी चढ़ा सकते हो। अब ये हम चाक बनाएंगे इसके, 3 इंच था हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा, तो हमने अब आधा इंच मोड़ दिया, 2.5 बचा, इस पर कच्ची सिलाई लगा देंगे, फिर तुरपाई कर देंगे। ये देखिए हमने ऐसे नापा तो एकदम एकदम हमारी इधर पट्टी लग रही है, इधर भी पट्टी लग रही है, एकदम सही आ रही है दोनों पल्ले। अब इसी को देखते हुए हम ये बनाएंगे, चौक लग रहा है इसलिए मोड़ेंगे, कॉटन है आराम से बैठ जाता है, अच्छे बच्चे की तरह जहाँ बिठाओगे इसको वहीं बैठ जाएगा सही पे बेचारा। ये देखिए अब इधर कर लेते हैं, इस पर चौक दिखाई दे रहा है, जैसे हमने ये मोड़ा है पीछे का मोड़ लेते हैं, ये देखिए ये हमारा हो गया फिनिश, पीछे का कर लेते हैं हम। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, अब जैसे हमारा ये हो गया रेडी नीचे से भी और साइड से भी, तो इसको हम ऊपर वाले को ऐसे बिछाएंगे, सूट को पूरा ऐसे बिछाएंगे इस कमीज को, और ऐसे तरह कर लेंगे ऐसे, और इस पे निशान लगा देंगे। ऐसे निशान लगा देना है कि हमें कितना मोड़ना है, ऐसे मोड़ ले, इधर का भी ऐसे कर लेंगे। कभी छोटे बड़े कान नहीं होगी कभी भी ऐसे,
आराम से इस तरह से करें, बिछा लें और जहाँ हमारा आ रहा वहाँ निशान लगा देंगे। ये अब ये हम मोड़ देंगे, हो गया। तो बना लेते हैं रेडी। ये देखिए दोस्तों, हमने बिल्कुल फाइनल कर ली। देखिए इसके चाक रेडी कर दिए। ये देखिए हमने यहाँ पट्टी लगाई है, ऐसे ना कभी चाक नहीं खुलेंगे। और देखिए एकदम बराबर है, दोनों कोने पकड़ेंगे एकदम बराबर आए हुए हमारे चाक। यहाँ से पकड़ेंगे, ये घेरा भी एकदम बराबर आया हुआ है। ये देखिए ये भी चाक एकदम बराबर, बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ हमारे चाक बने हुए हैं। बाजू भी रेडी कर ली हमने एकदम फिनिशिंग के साथ, सफाई से, कहीं झूल नहीं आई है हमारी बाजू में। हमने दोनों बाजू रेडी कर ली हैं। गला भी रेडी हो गया फिनिशिंग के साथ, ये भी बना है सुंदर। ये है गले की डिजाइन दोस्तों। ये सिंपल कुर्ती काफ़ी जानकारी के द्वारा कैसी लगी? देखिए बाजू हमने दो तरह से जोड़ना दिखाया, गले का हमने ये कैसे जोड़ते हैं, ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। डिजाइन कैसी लगी हमारी, लाइक करना, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिन्होंने किया हुआ उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।